वेलकम है तुहाडा तुहाडे अपने चैनल जेन्युइन जीके फैक्ट्स ते। तो जिन्हां दा सब इंस्पैक्टर दा एग्जाम 29 ते 31 तरीक नूं होण वाला और उस तों बाद क्लर्क दा एग्जाम होण वाला, तो उन्हां दे लई बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो यह रहण वाली आ। इहदे च आपां हिस्टरी दे मोस्ट इंपोर्टेंट एम सी क्यू बैटल्स ते होर जिन्ने एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट ने उन्हां नूं डिस्कस करांगे। तो विदाउट एनी डिले पहला प्रश्न इन्हां दे विचों आपां टॉम हुंदा बच्चे मकबरा। टॉम की हुंदा किसे दा मकबरा, तो सासाराम दे विच इन्हां दे विचों किस दा मकबरा है। तो इहदा करैक्ट आंसर है ऑप्शन बी शेर शाह। ठीक है, तो देखो बच्चे शेर शाह कौन है, शेर शाह सूरी जिन्हों असीं सूरी वंश का फाउंडर कहने। तो हुण आपां गल करदे हां इत्थे सूरी वंश दे बारे। ठीक है, जिहड़ा इह शेर शाह सीगा इह जिहड़ा ने वंश चलाया इह सैकेंड अफगानी वंश आ। ठीक है, लोधियां तो बाद। और जिहड़ा इह शेर शाह सूरी आ इह किन्ने तक रहिंदा, तां बच्चे इहदा जिहड़ा टनियोर रहिंदा उह 1540 तों लै के, मतलब कि जदों इह शासक बणदा, जिहड़ा सूरी टोटल वंश है उह 1540 तों लै के 55 तक रहिंदा, बट जिहड़ा शेर शाह सूरी आप सी इह 45 तक रहिंदा। आह चीज़ नूं तुसीं नोट डाउन करना। और इहनूं फाउंडर मन्निया जांदा किहनूं, शेर शाह सूरी नूं, कादा सूरी वंश दा। क्लीयर है, तो बच्चे एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट ने जिहड़े बस उह ही आपां डिस्कस करने आ। तो इहदा बचपन का नाम तुहानू हुण पता लग जू भी आपां क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बचपन का नाम सी इहदे फरीद खां। हुण फरीद खां तो शेर खां वाला किवें बणदा कंसैप्ट, एक बिहार का शासक सीगा। ठीक है, बिहार का शासक, तो पी पी एस सी वाले बच्चों करके आपां थोड़ा जिहा बच्चे अगे चलदे आ, तो जिहदा नाम सी बहार खां, बहार खां लोहानी। ठीक है, ये नाल ये जा रहा सी, तां इस दे उत्ते शेर ने अटैक करता, लॉयन ने अटैक किते कीता, बिहार का शासक सी बहार खां लोहानी। और जिहड़ा फरीद खां सी इहने लॉयन ते अटैक करता कादे नाल, अपनी तलवार दे नाल, तां इहदी जान बच गई। तो बहार खां ने खुश होकर इहदा नाम रखता, इहनूं टाइटल दिता शेर खां दा। हजे भी इह शेर शाह नहीं बनिया, पहला इह फरीद खां सी फिर शेर खां बनता। उस तों बाद हुण देखांगे आपां शेर शाह किवें बनूगा। तो बच्चे आह चीज़ तुहानूं क्लीयर होगी। और उस तों बाद देखो इन्हें किवें मतलब कि दल बदलिया, जिहड़े तो 1528 दे विच आपां बाबर दे हमले पढ़ते हाँ, तो उहदे च पढ़ते हैं एक चंदेरी का युद्ध। बाबर का किहड़ा युद्ध पढ़ते हैं, चंदेरी का युद्ध। तो इस युद्ध के मुगलों वल्लों लड़िया सी, जिहड़ा शेर खां सीगा इह किन्हां वल्लों लड़िया, मुगलों वल्लों लड़िया। ठीक है, फिर इस तों बाद 1529 का युद्ध हुंदा बच्चे, तो उदों इह घागरा का युद्ध होया सी जिहड़ा, उदों इह ठीक है लोधियां दे वल्लों लड़िया। उदू बाद इह किहदे वल्लों लड़िया, लोधियां दे वल्लों लड़िया। तो यह दो फैक्ट तुहानूं इत्थों क्लीयर हो गए भी एक बार इह मुगलों वल्लों भी लड़िया, दूसरी वारों इह लोधियां पासों भी लड़िया। तो इहदी बच्चे पत्नी, पत्नियां दो सीगियां, तो दोनों के करके इहनूं कंट्रोल मिलिया सी। एक पत्नी का नाम सी लाड़ बेगम, लाड़ बेगम इह इहदे नाल इहने ब्याह कराया सी 1530 दे विच। इह चुनारगढ़ जिहड़ा जिहड़ा वह इदू बाद इहदे कंट्रोल दे विच आ गया सी ब्याह कराउण दे बाद। चुनारगढ़ दा शासक सीगा जिहड़ा ताज खां, उहदी पुत्री सीगी लाड़ बेगम, तां लाड़ बेगम नाल ब्याह करा के इहदे कंट्रोल च की आ गया, चुनारगढ़ आ गया। ठीक है, और उस तों बाद जिहड़ा बिहार दा शासक आपां पढ़ के हटिया, जिहने नूं शेर खां दा टाइटल दित्ता सी, जदों उहदी डैथ हो जांदी आ तां उहदी जिहड़ी विधवा पत्नी हुंदी आ, ठीक है, तां उहदे नाल भी इह ब्याह करा लैंदा। और इस तों बाद बिहार और चुनारगढ़ दोनों शेर खां दे कंट्रोल दे विच आ जांदे आ। तां मोस्ट इंपोर्टेंट हुण शेर शाह किवें नाम पैंदा, 1539 दे विच इक बैटल हुंदी आ, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा करके एक युद्ध हुंदा, किहदे किहदे विचाले हुंदा, एक पासे हुंदा हुमायूं और दूसरी साइड पर हुंदा बच्चे शेर खां। हजे तक यह शेर खां इहदे च जित जांदा, इहदे च हुमायूं हार जांदा। ठीक है, और इस तों बाद बैटल जितण तों बाद इह शेर शाह दा टाइटल लैंदा। आह चीज़ तुहानूं क्लीयर होगी, शेर शाह दा टाइटल इहने कदों लिया सी, 1539 दे विच बैटल ऑफ चौसा, हुमायूं नूं हरा के शेर शाह दा टाइटल इह बंदे ने लिया सी। और जिहड़ा अपने जी टी रोड आ बच्चे, उहदी भी फॉर्मेशन किहने कीती सी, इसे बंदे ने ही कीती सी। और 1540 दे विच बैटल हुंदी है बेलग्राम दा युद्ध। ठीक है, बेलग्राम इहनूं भी मतलब कनौज दा कह दिंदे आ, बैटल ऑफ बेलग्राम जां फिर कनौज दा युद्ध। तां बच्चे जिहड़ा इह वाला बैटल हुंदा ते इहदे च भी कौन जितदा बच्चे, शेर उहदे नाल ही हुंदा भी। ठीक है, इहदे च भी शेर शाह जित जांदा अगेन। इस तों बाद इह सूरी वंश की स्थापना जिहड़ी उह कर दिंदा। तां जिहड़ा इह सैकंड बेलग्राम जां कनौज दा बैटल हुंदा, इह तों बाद सूरी वंश की इह स्थापना करदा गा। इह चीज़ नूं तुसीं ध्यान दे विच रखणा गा। और इहदी जिहड़ी मौत है उह कित्थे हुंदी आ,
कलिंजर फोर्ट दे विच, और इस तों बाद इहनूं दफन कित्थे कीता जांदा, सासाराम बिहार दे विच, किहनूं शेर शाह नूं। बच्चे आ चीज़ तुहानूं क्लीयर आ, और उस तों बिना जिहड़ी इहदी शेर खां दी एजुकेशन आ ना, इह मोस्ट इंपोर्टेंट आ, जिथे स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनणगे उत्थे तुहानूं एजुकेशन चों प्रश्न देखण नूं मिल सकदा। तां कित्थों होई सी इहदी एजुकेशन? जौनापुर तों। ठीक है, जौनापुर मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों आ? इहनूं किहने मतलब कि शुरू कीता सी? इह फिरोज शाह तुगलक ने इह वसाया सी। और इहनूं बच्चे की कहा जांदा जौनपुर नूं? सिराज ए ईस्ट। सिराज ए ईस्ट किहनूं कहा जांदा? अपने जौनपुर नूं। ठीक है, जां फिर हिंद वैसट मुस्लिम एजुकेशन इहनूं कहा जांदा किहनूं? जौनपुर नूं। इत्थों ही शेर शाह दी जिहड़ी इह एजुकेशन पूरी उह होई सी। तां बच्चे शेर शाह सूरी दे नाल एग्जाम ओरिएंटड सारे फैक्ट इत्थों अपने हुण क्लीयर हो गए ने। ठीक है, तां इक बच्चे जदों इहने सूरी वंश शुरू कीता सी उदों इहने टाइटल लिया सी हज़रत ए आला। जे आपां गल करिए हुमायूं दी, तां हुमायूं बारे पहलां आपां वीडियो दे विच विच कवर कर चुके हाँ। इहदा जिहड़ा टॉम्ब आ उह कित्थे आ? दिल्ली दे विच आ। और इह इंपोर्टेंट क्यों आ? क्योंकि इह फस्ट गार्डन वाला टॉम्ब आ, गार्डन वाला टॉम्ब आ भारत दे विच। और इहनूं डिज़ाइन किहदे द्वारा कीता गया सी? जिहड़ा हुमायूं दा टॉम्ब सीगा तां उह कीता सी मिराक मिर्जा ने। मिराक मिर्जा ने किहदा टॉम्ब? हुमायूं दा। कित्थे आ? दिल्ली दे विच। फस्ट गार्डन वाला टॉम्ब है इह। जे तुहानूं आ जाए भी शेर शाह दा सूरी दा जिहड़ा टॉम्ब सी बच्चे इह किहने डिज़ाइन किया जाए, आर्कीटेक्चर कौन सी, तां उहदा आंसर हो जूगा तुहाडा मीर मुहम्मद अली बाल खां। होप सो बच्चों तुहानूं इन्ने फैक्ट इत्थों क्लीयर हो गए होणगे। जे वीडियो हले भी लाइक नहीं की, वीडियो नूं लाइक जरूर करो, तो चैनल सबसक्राइब नहीं किया चैनल नूं सबसक्राइब करके अगे आयो। तो जल्दी तो बच्चे अपने एक के ने मीनस के हज़ार सबसक्राइबर आ जिहड़े वो पूरे करवा दो। तुसी दूसरा द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट इन, जो पानीपत की थर्ड लड़ाई हुई है तो वह कदों हुई सी? ठीक है, यदा जो करैक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए 1761 के 1743 के बैटल हुई है। ये अपन बच्चे हमने देख के हटे हाँ पहला। ठीक है, सॉरी 1543 के हुई सी जी बैटल, अपने बैटल ऑफ चौसा। ठीक है, हुमायूं ते शेर खां के विचाले, और शेर शाह का टाइटल उदों ही लिया सी। 1526 के फस्ट बैटल होंगी है पानीपत की, किहदे किहदे विचाले होंगी आ? बाबर एंड इब्राहिम लोधी के विचाले। बाबर जित जाता, इब्राहिम लोधी हार जाता, और इतों ही मुगल काल आ जिहड़ा वह भारत के स्टार्ट हो जाता मुगल काल। ठीक है, बाबर शुरू करता। तो बच्चे आ चीज़ थोड़ा इतों क्लीयर आ। चलो हूँ आप मिले जुले फैक्ट देखते हैं। तो 1761 की गल करिए, ये बच्चे जे डेट भी आ जाए ना, तो 14 जनवरी 1761 थर्ड बैटल आ जी पानीपत की होंगी आ, कि विचाले होंगी आ? एक सैड सी मराठा, दूसरे पासे अफगान आर्मी, मराठा एंड अफगान आर्मी, या फिर इधरों कह लो तुसी अहमद शाह दुरानी। ठीक है, और ये बच्चे भारतीय चार शासक भी सीगे, तो इतों मराठा, मराठा की सैड तो कौन लड़ रहा है? इन्हों का सेनापति सीगा सदा सिव राओ भाऊ। सदा सिव राओ भाऊ सीगा जिहड़ा वह मतलब कि इधरों लड़ रहे सी, और इधरों अफगान आर्मी अहमद शाह दुरानी वालों नाल चार भारतीय शासक सीगे जिहड़े वह सीगे। अफगान आर्मी जित जाती है और मराठे इत्थे हार जाते हैं। आ बच्चे थोनों चीज़ इतों क्लीयर होगी। और उस तो बिना जिहड़ियां इंपोर्टेंट बैटल ने बच्चे वह भी देख लेने। फस्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 कौन जितता? ये बाबर, तो हारदा कौन है इत्थे? इब्राहिम लोधी। ठीक, फिर 1527 के बैटल ऑफ खानवा, तो जिहदा भी आ जाए 17 मार्च 1527 बैटल ये जी हुई सी, तो किहदे विचाले होंगी आ? राणा सांगा बस बाबर, तो ये भी बच्चे बाबर जित जाता। और जे थोनू आ जाए कि जिहड़ा बाबर ने जहाद का नारा मारिया सी वह किहड़े युद्ध के दौरान मारिया सी? जहाद का मतलब हुंदा धर्म के नाते युद्ध करना। बैटल ऑफ खानवा जिहड़ा कि 1527 के होया, जहाद का नारा बाबर ने इस युद्ध के मारिया सी, और इस दे बाद ही इन्हें गाजी का टाइटल सीगा जिहड़ा अज्यूम किया सीगा जां लिया सी। बैटल ऑफ चौसा 1549 के विच हुंदी आ, तां इह बच्चे हुमायूं ते शेर शाह सूरी के विचाले ये जित जाता, हुमायूं इत्थे हार जाता। बैटल ऑफ कनौज 1540 ये भी दोनों के विचाले सेम आते, शेर शाह ही जितदा, हुमायूं हार जाता। इस तों बाद आउंदा बच्चे पानीपत का पहला युद्ध 1526 के विच आपां देख लिया, फिर आउंदा पानीपत का सैकंड बैटल 1556 के विच, किहदे किहदे विचाले हुंदा? तां एक मिनट बच्चा, किहदे किहदे विचाले हुंदा इह? अकबर बस हेमू, हेमू एंड अकबर के विचाले हुंदा।
अकबर के वलों जे थोनों आ जाए भी बैरम खां वर्सिज हेमू सैकंड बैटल ऑफ पानीपत बच्चे ये भी ठीक हो जूगा क्योंकि अकबर का सैनापति इतने बैरम खां ही सीगा और हेमू इधरों से हेमू ने इतने की करता सी किल करता सीगा बैरम खां ने आ चीज़ क्लीयर। फिर इस तो बाद बच्चे 1560 के अकबर का बैटल है जोड़ा वो युद्ध आ वह बैरम खां भी हों क्योंकि बैरम खां जोड़ा वो आपके बच्चे बना चाहता सगा उन्हें मारिया नहीं सगा ठीक है बैरम खां हज के लिए भेजता से अकबर ने छड़ता से उन्होंने तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी कदों हों 1576 बच्चे यू भी तुम याद रखना तो ये कौन जितता कौन हारदा ये बच्चे तुम कमेंट करके दसना। चलो मैं थोड़ा इन्ना दस देना एक पासे अकबर से दूसरे पासे महाराणा प्रताप सीगा ठीक है मेवाड़ का तो ये दसना भी जित हार जी वह कि होंगी है ठीक। तो चलो भी इस तो बाद नैक्सट प्रश्न देखते हैं हू वाज द ऑथर ऑफ तुगलकनामा। तुगलकनामा एक बुक से उसका जोड़ा ऑथर आ जा राइटर आ लेखक है वह कौन है तो यह बच्चे करैक्ट आंसर हो जूगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट परसन आ बच्चे अपनी हिस्टरी के लिए तो ये आप देखते हैं भी कदों लिखी गई है 1320 रचना सी जा की गई सी किस दे द्वारा की गई सी अमीर खुसरो दे द्वारा तो अमीर खुसरो नूं असीं की कहने तूतीए हिंद नूं कहा जांदा जां फिर पैरट ऑफ इंडिया ठीक है जिवें कि नाइट एंगल ऑफ इंडिया आप कहने ना तो एवं पैरट ऑफ इंडिया या फिर तूतीए हिंद की कहा जाता अमीर खुसरो कहा जाता ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों आ क्योंकि इन्हें सत्त सुल्ताना का टाइम पीरियड आ जोड़ा वो देखा मीनस के समकाली रहा जे अजे भी कि समकाली से तो बलबन मुहम्मद ठीक है कैकूबाद एंड जलालुद्दीन अलाउद्दीन मुबारक शाह ठीक है और ग्यासुद्दीन तुगलक। तो होपसो बच्चे थोनों आ चीज़ क्लीयर सत्त सुल्तान सके जिन्होंने मतलब कि टनौर इन्हें देखा कि ने अमीर खुसरो ने अमीर खुसरो तूतीए हिंद या फिर पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता गा और भारत के इन्हें इंट्रोड्यूस की इंडिया के इंट्रोड्यूस की इन्हें गज़ल गज़ल भारत के इंट्रोड्यूस की अमीर खुसरो ने की आ और बच्चे ये फस्ट मुस्लिम सगा जिसने खुद न इंडियन कहा जे थोनों आ जाए कि पहला मुस्लिम कौन से जिन्हें खुद को मुस्लिम नहीं इंडियन कहा तो वह भी आज अमीर खुसरो पैरट ऑफ इंडिया कौन उस भी अमीर खुसरो तो इस तो बाद सत्त सुल्ताना का टाइम देखने वाला भी अमीर खुसरो आ इंट्रोड्यूस करने वाला गज़ल भारत के वह भी अमीर खुसरो आ तो बच्चे ये भी चीज़ तुम याद रखनी है बाकी जोड़ा अपने तबला म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तबला तो सितार उन्होंने भी स्टार्ट किने किया बाबा इन्हें अपना अमीर खुसरो ने ही स्टार्ट किया। तो बच्चे एक इंपोर्टेंट आप होर बुक्स देख लें अलबरूनी ठीक है तो अलबरूनी की बुक का नाम है बच्चे किताब अल हिंद किताब अल हिंद की है अलबरूनी की किताब है और उस तो बिना एक इबन बतूता की बुक आ बच्चे ये मुहम्मद बिन तुगलक के समय आया से इबन बतूता तो मरक्कन ट्रैवलर सेगा इसकी बुक का नाम है रेहला ठीक है कई समय थोड़ा रोहिला भी देखने को मिल जूगा तो इबन बतूता की बुक का नाम याद रखना अमीर खुसरो ने लिखी है तुगलकनामा। वैसे तो इन्हें बच्चे होर भी सत्त अठ मतलब कि वर्कस ने ये तो ये बिल्कुल तो लास्ट तो मोस्ट इंपोर्टेंट है तुगलकनामा आ चीज़ थोड़ू इतों बच्चे होपसो क्लीयर होगी होगी। फिर भी जे किसी बच्चे का कोई डाउट रह गया बच्चे कमेंट करके दस दौ आप डाउट क्लीयर कर देंगे जे वीडियो लाइक नहीं करी वीडियो लाइक जरूर करना तो फिर इस तो बाद बच्चे सबसक्राइब नहीं कराया तो सबसक्राइब भी कर दौ। विच मुगल एम्परर इज़ आलसो नोन एज आलमगीर। तो हूँ यह आलमगीर के नाम नाल किनू जाणिया जाता अकबर नू औरंगजेब नू बहादुर शाह दो नू या फिर हमायूं नू तो करैक्ट आंसर है बच्चे औरंगजेब नू ठीक है। तो औरंगजेब इहदा एक्चुअल नाम की सीगा बच्चे मुहियुद्दीन मुहम्मद इहदा मतलब कि नाम सीगा यह मुमताज की कुख तो पैदा होया सी माता का नाम की सी मुमताज़ तो इन्हें दिलरास बानो बेगम के नाल ब्याह करवाया सी इहदी बेगम कौन सी दिलरास बानो बेगम। तो बच्चे एग्जाम ओरिएंटेड आप पत्नी क्यों पढ़ते होंने किसी की भी दिलरास बानो बेगम क्यों पढ़ी जाती है क्योंकि बीबी का मकबरा बनवाया सी इन्हें बीबी का मकबरा जिहड़ा बीबी का मकबरा बनवाया सी इन्हें वह किने औरंगजेब ने बनवाया सी औरंगाबाद दे विच औरंगाबाद कित्थे आ महाराष्ट्र के विच है
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਬਟ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਚਿੱਟੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬਦਸੂਰਤ ਬਣਿਆ ਜਿੰਨਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਲਈ ਬਣਵਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਬੇਗਮ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਫੇਮਸ ਹੋਈ ਆ ਰਾਬੀਆ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਦਿਲਰਾਸ ਬਾਨੋ ਬੇਗਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰਾਬੀਆ ਬੀਬੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੀਬੀ ਕਾ ਮਕਬਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਮੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਮੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਯੁੱਧ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ 1658 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰੋਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਰੋਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ 1669 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਆਲਮਗੀਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਲੈਂਦਾ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬੈਟਲ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬੈਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਰੋਕ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ? ਕਲਮਾ ਕੋਇਨ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਲਮਾ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ। ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਦਾਰੂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਗੈਮਲਿੰਗ ਜੂਆਬਾਜੀ ਬੰਦ ਕਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਰੋਜ਼ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ। ਨਵਰੋਜ਼ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਗਿਆਸੂਦੀਨ ਬਲਬਨ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ। ਪਰਸੀਅਨ ਦਾ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਗੇ, ਰੋਕ ਲਾਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ, ਹੋਲੀ, ਦਿਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਰੀਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੀਇੰਪੋਜ਼ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਰੀਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਡੇ ਫੈਕਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਫੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਚਰੋਖਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ, ਸਿਜਦਾ ਬੈਬੋਸ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਲੌਂਗੈਸਟ ਰੂਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਹੈੱਡ ਗੋਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ 89 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੋਰੀ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਰਦਾ ਇਹ, ਅਤੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਦੈਨ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 40-45 MCQ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਬਿਟਵੀਨ ਇਜ਼ ਡੈਸ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਨਿਓਰ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਆ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ 1206 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1526 ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੇਵ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖਿਲਜੀ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ 'ਤੇ ਤੁਗਲਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੈਯਦ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੋਧੀ ਨੇ। ਲੋਧੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ। ਅਤੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕੌਂਸਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਨਿਸਕ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕੌਂਸਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੋਈ? ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਆਹ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।